तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि बिग बॉस OTT सीजन 3 में काफ़ी कंट्रोवर्सीज होती नज़र आ रही हैं, चाहे वो घर के अंदर हो या चाहे घर के बाहर। लेकिन इस बार शॉकिंग न्यूज़ सामने आई है, वो है पायल मलिक का घर से बेघर होने की। और ये होना बिल्कुल किसी को भी एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन ऐसा ही हुआ। और बाहर निकलते ही पायल मलिक के ढेरों इंटरव्यूज़ होते हुए नज़र आ रहे हैं। ऐसे में संभावना सेठ, जो कि एक्ट्रेस डांसर हैं और अब यूट्यूब इन्फ्लुएंसर भी हैं, जहाँ वो पायल के घर से बेघर होने की बात से बेहद सैड थी, इसलिए उन्होंने पायल की मुंबई में खूब खातिर की। दोनों ने साथ में आकर व्लॉग भी बनाया, जहां पर इस बार बिग बॉस के क्राइटेरिया पर भी उंगली उठाई गई। संभावना और पायल दोनों ने ही बिग बॉस के क्राइटेरिया को गलत ठहराया। बिग बॉस में ये बाहर आया कि वो काफी क्लिप्स को एडिट करके दिखाते हैं, जिससे एंटरटेनमेंट और गॉसिप बाहर निकले। क्योंकि पायल ने बताया कि कृतिका के साथ ही नहीं, अरमान पायल के भी साथ उतने ही थे, लेकिन उनके काफी सीन्स एडिट कर दिए गए थे। ऐसा शो में कई बार हुआ है। दरअसल शो स्क्रिप्टेड नहीं है, बल्कि वेल एडिटेड होता है, जो घर के बाहर लोगों को दिखाया जाता है। साथ ही पायल ने पॉलीगमी को सपोर्ट ना करने की बात की। उन्होंने कहा कि दो शादियां अलाउ नहीं होनी चाहिए और ये कोई गलत मैसेज नहीं जा रहा है। उन्होंने बताया कि 1.5 साल तक वो अरमान से दूर रही, काफ़ी कलेश हुए उनकी पर्सनल लाइफ में, जहां पायल ने भी सुसाइड करने की कोशिश की और अरमान ने भी सुसाइड करने की कोशिश की। पायल ने ये भी कहा कि आज हम तीनों खुश लगते हैं, लेकिन दो शादी का दुख बहुत हर्टफुल होता है, जो कि नहीं करना चाहिए। सो फाइनली पायल के घर से बेघर होने और बिग बॉस में एक और एलिमिनेशन होने को लेकर आपका क्या कहना है? साथ ही क्या बिग बॉस में इस तरह की बात को तोड़ मरोड़ कर दिखाने का आरोप सही है? हमें कॉमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं और साथ ही चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।